हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए आज हम बात करने वाले हैं आपसे यूपी कांस्टेबल की जो वैकेंसी हमारी आने वाली है 26,382 उसके बारे में। और हम आपसे बात करने वाले हैं कि इसका क्या प्रोसेस चल रहा है, टेंडर का क्या हुआ, एग्जाम फॉर्म कब तक आए, ये सारी बात आज हम कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊँ टेंडर के बारे में, तो टेंडर का कोई भी नोटिस भर्ती बोर्ड की साइट पर हमें नहीं देखने को मिला है, क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे जनवरी से फिर डेट बढ़ने का नोटिस बार बार आया था, लेकिन 22 के बाद 22 फरवरी के बाद से कोई भी नोटिस हमें देखने को नहीं मिला है। तो इसका मतलब हम क्या कहते हैं, क्या प्रोसेस रोक दिया गया है या फिर कंपनी फाइनलाइज हो गई है। तो मेन अगर मैं आपको बात बताऊं क्या है, तो यहाँ पर कंपनी फाइनल कर ली गई है, कंपनी फाइनल हो चुकी है आपकी भर्ती के लिए। और आगे फॉर्म है, जो आपके फॉर्म आने वाले हैं वो भी लगता है मार्च लास्ट, में आ जाएगी। इलेक्शन के बाद कभी भी, क्योंकि प्रोसेस बहुत तेज चल रहा है, कंपनी आपकी फाइनल हो चुकी है, मार्च लास्ट तक नहीं आते हैं, तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में, आपको फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट भी यानी एक मंथ आपके अंदर पास है, और एक मंथ के अंदर आपके पूरा प्रोसेस सही तरीके से शुरू हो जाएगा और आपके फॉर्म भी भरने शुरू हो जाएंगे बहुत ही जल्दी। तो मैं आपसे कहूँ कि आप लोग अपनी तैयारी बना के रखिए, आप वेट करने से कोई फायदा नहीं, कोई नोटिस नहीं आया, आप सीधे फॉर्म भरने का नोटिस आएगा और फॉर्म भी बहुत जल्दी आप लोगों के ये दोनों मार्च के लास्ट या अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपके फॉर्म भर जाएंगे। आप लोग अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखिए, क्योंकि भर्ती अब बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाली है। मुझे लगता है कि 3 महीने के अंदर, 3 महीने में आपका एग्जाम भी करा लिया जाएगा और लास्ट तक, इस ईयर के लास्ट में भर्ती फाइनल हो जाएगी। तो जैसे जैसे आगे अपडेट आएगी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।